नमस्कार, स्वागत है आपका खबर योगी तक में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दुर्दांत अपराधी और एसओजी सर्विलांस टीम व थाना 8 पुलिस की संयुक्त टीम के बीच भीषण मुठभेड़ में गोली लगने से दुर्दांत अपराधी हुआ घायल। हरदोई गुर्जर कोच सर्किल के हरदोई गुर्जर में दुर्दांत अपराधी और एसओजी सर्विलांस टीम के बीच भीषण गोलीबारी के साथ मुठभेड़ में दुर्दांत अपराधी गोली लगने से घायल। आपको बताते चलें कि जनपद जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इराज राजा के दिशा निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी के मार्गदर्शन एवं पुलिस उपाधीक्षक उमेश पांडे के नेतृत्व में थाना 8 पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम हरदोई गुर्जर में बालिका की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी को 24 घंटे में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल होने पर अवैध असलाह, जिंदा व खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। आज एसओजी और एसओजी सर्विलांस तथा थाना 8 पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम हरदोई गुर्जर के रमाकांत पाल की पुत्री को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला साहित पुत्र अनवर हरदोई गुर्जर जाने वाले रास्ते सोमई के पास प्रतीक्षालय पर छिपा हुआ है। तो उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया था। एसओजी और सर्विलांस टीम तथा 8 की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त की घेराबंदी प्रतीक्षालय के पास की गई। तो अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया, फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग से अभियुक्त साहिद घायल हो गया। अभियुक्त को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से कट्टा व कारतूस जिंदा बरामद हुआ। अभियुक्त को इलाज के लिए चिकित्सालय रवाना किया।